वेलकम टू ऑल। दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी, बायोलॉजी गुरु। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, आल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ ये कहां होता है? ये होता है आपका हायर प्लांट्स में। कहां होता है आपका? हायर प्लांट्स में होता है। तो हमें क्वेश्चन ये आ गया कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि इसमें केवल सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, और दूसरा क्या है कि इसमें गैमेटिक फ्यूजन भी नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आगे एक टर्म आता है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या होता है? द स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर यूज्ड इन। कहां यूज कर रहे हैं? इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कॉल्ड, इसको यूज कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। अब ये सब क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बल्ब, ये सब वेजिटेटिव प्रोपग्यूल ही है। से फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे कि हम बात करें, ये है पोटैटो। पोटैटो में इतने आपको एक्चुअली वर्ड, एक्चुअली वर्ड है ये। क्वेश्चन आ गया कि पोटैटो में कौन सी वर्ड होती है, जिसे कहते हैं आई ऑफ पोटैटो। क्या होते हैं? आई ऑफ पोटैटो बोलते हैं। तो ये एग्जैक्ट वर्ड है, इसको हम कहीं से कट कर ले और इस तरीके से एक हर एक पार्ट से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये नोट पर लगी रहती है, इसलिए नोट रीजन। तो ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि ये सुगर केन है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव नोड, नोड है। अब इसमें यहाँ बर्ड लगी हुई है, ये बर्ड क्या करेगी? दैट वन जो बर्ड है दैट इज कमिंग कॉन्टेक्ट विद द डैम्प सॉइल या वाटर, एंड देन इट फॉर्म द न्यू प्लांट। तो इस तरीके से ये एक बर्ड जो है वो नए प्लांट को बना देती है। तो इसमें देखिए डेफिनेशन की है, द पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। नाउ बर्ड को हम क्या बोलते हैं? बर्ड को हम इमैच्योर शूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? हम इमैच्योर शूट। नाउ कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें आपका बर्ड जो है आपका स्टेम में भी हो सकती है, स्टेम भी यूज कर सकते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लीक को भी कर सकते हैं और रूट को भी कर सकते हैं। ये कैसे करना है? तो सबसे पहले हम स्टेम के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेम भी कई तरीके के हैं, जैसे कि आपका अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि ग्राउंड के अंदर पाए जाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। राइजोम, राइजोम में है जिंजर, टर्मरिक, बनाना। इसमें कैसे डिफाइन करेंगे राइजोम को, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राइजोम में क्या है कि जैसे कि ये सॉइल सरफेस है। क्या है ये सॉइल? ये है आपका सॉइल सरफेस। और सॉइल सरफेस के जो राइजोम होते हैं वो हमेशा इस तरीके से रहते हैं, इधर ऐसा करते हैं, जैसे कि हमारा जिंजर है। राइजोम कौन सा हो गया? इस तरीके से आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। किस डायरेक्शन रहते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहते हैं। कॉर्म की हम बात करें, कॉर्म क्या है? ये सॉइल सरफेस है। कॉर्म हमेशा ऐसे रहते हैं इस तरीके से, ऐसे। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वर्टिकल डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में है ये? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये होते हैं किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। यही अंतर है, दोनों ही देखिए जमीन के अंदर है। दे एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब क्या होता है? एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब है कई सालों तक वो वहां पड़े रहेंगे। और पेरिनेशन जब क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि बाहर की तरफ अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो फिर से आपका नए प्लांट को जनरेट कर लेंगे। ऐसे ही पोटैटो, ट्यूबर में कौन सा एग्जाम्पल आता है? पोटैटो, बल्ब, ओनियन आते हैं। अनियन में या गार्लिक में क्या होता है? ये इसमें ये स्टेम जो है, स्टेम में नोड होते हैं, नोड सी लीफ निकलती है। ये स्टेम जो है रिड्यूस्ड हो जाता है। स्टेम क्या होता है? इसमें रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। एंड इट्स बिकम डिस्क शेप। कैसा हो जाता है? ये डिस्क शेप हो जाता है। और फिर भी लीफ ये पास पास आ जाते हैं, यहीं से लीफ निकल जाती है इस तरीके से। तो ये बन गया आपका इस तरीके से ऑनियन। तो ये जो अनियन में जो हम खाते हैं वो क्या है? फ्लैसी लीव्स है। नाउ सब एरियल में क्या है? सब एरियल में ऑफसेट है, रनर है, सकर है, स्टोलन है।
इसमें ऑब्जेक्ट में आइकॉन ही आता है, पिस्टिया भी आता है, ओके। लेकिन यहाँ आपके 12th में आइकोनिया का एग्जाम उन्होंने कोड किया है, जिसे हम कहते हैं बटर हाइसेंथ, और आइकोनिया बटर हाइसेंथ इसी को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ओके। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं ये अपन अब आगे चर्चा करेंगे। शकर में आते हैं पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसेंथेमम। शकर में क्या होता है, शकर में जैसे कि ये आपका प्लांट है, इसमें जो इसकी अंडरग्राउंड जो स्टेम है ये इट इज रनिंग पैरेलल टू द सॉइल सरफेस, चल रही है देखो रनिंग टू पैरेलल सॉइल सरफेस। अब ये जैसे ही बाहर निकलती है तो कैसे निकलती है, तिरछे रूप में, यानी कि ऑब्लिकली, ऑब्लिकली अपवर्ड। और यहाँ पर ये बना लेती है लीफी सूट्स, ओके। लीफ आ गई है, सूट बन गया। तो ये जो कंडीशन है इसमें ये महत्वपूर्ण, आपको यहाँ से क्वेश्चन पकड़ना है ऑब्लिकली अपवर्ड, ओके। बाहर निकल रही है ऑब्लिकली। देखो मैं आपको बता दूं, ट्रिक समझा दूं, शकर का मतलब है, देखिए दिमाग में जब शक आ जाता है तो व्यक्ति के दिमाग में सब उल्टी सीधी बातें हैं, ऐसी सीधी सीधी बात ही नहीं करेगा, कैसे करेगा वो, हमेशा उल्टी सीधी बातें करेगा। तो ये देखिए तिरछे रूप में बाहर निकल रहे हैं। अब शकर के एग्जाम्पल कैसे कोट करने हैं, एग्जाम्पल में आपने पाइन एप्पल का जूस पिया होगा, उसको स्ट्रॉ से शक करते हैं तो ये शकर हो गया। क्राइजेंथिमम, पति पत्नी के बीच में यदि हिस्सा घुस जाता है तो उसमें आता है घर में क्राई क्राई होने लगती है, तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, क्राई जेंथिमम, ओके। बनाना, किसी का बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो बनाना भी सीखा हो जाएगा, पाइन एप्पल क्राई जेंथिमम बनाना, ओके। स्टोलन, स्टोलन चुरा लिया है तुमने, जो स्टोलन में एग्जाम्पल आ जाएगा, चुरा लिया है तुमने जो मिंट को, किसके यहाँ से, जैस्मिन के यहाँ से, ठीक है। तो आपको ऐसे रखना है, इसमें एक और एग्जाम्पल कोट कर देते हैं, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो ये आपका हो गया। थोड़ा सा एरियल भी होते हैं, एरियल में क्या है आपका सुगर केन आ जाएगा, ओपन सी आ जाएगा, ये एरियल के एग्जाम्पल हो गए, सुगर केन एंड देन ओपन सा हो गया, ओपन सी आ गया। इसमें वही कहानी, यहाँ पे इसमें बर्ड है, बर्ड नीचे आ जाएगी, कम इन क्वांटिटी द सॉइल एंड फॉर्म द न्यू प्लांट्स। अब हम चर्चा कर रहे हैं आइकॉनिया की डिटेल के बारे में, ओके। आइकॉनिया बोलते हैं वाटर हाइसेंट और आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। क्यों टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, इसको कहते हैं स्कर्ड जो तो वाटर बॉडीज, स्कर्ड का मतलब है महाविपत्ति, क्या है ये, इसने तो महाविपत्ति कर दी भाई, ओके। क्यों, ये सबसे पहले देखेंगे कहाँ पाया जाता है, स्टैंडिंग वाटर में होता है, ओके। रनिंग वाटर में नहीं होता है, कहाँ होता है, स्टैंडिंग वाटर। दूसरा है मोस्ट इन्वेजिव वीड, इसको बाहर से लेके आए थे, ये एक्जोटिक स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज है, एक्जोटिक स्पीसीज है। अब क्वेश्चन आता है बाहर से लेके क्यों आए थे, कम टू इंडिया बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ब्यूटीफुल लीव्स, इसके चक्कर में इसको ले आए थे, देखा सुंदर हो चलो इंडिया। लेकिन देखा गया कि बाद में ये क्या कर रहा था, जो आपका पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ओके, डीओ, उसको ये क्या कर लेता है, ड्रेन ऑफ कर लेता है, सोख लेता है। इससे क्या होगा, वहां की जो फिशेस है वो क्या होगी, ये एक्वाटिक एनिमल्स है वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाते हैं। अब चूंकि वहां पे तो लोग बंगाल में तो लोग चावल और मछली खाते हैं, मछली मरने लगी तो वहां के लोग अपसेट हो गए, इसलिए इसका नाम, इसका एग्जाम्पल हो गया ये ऑफसाइट का, ओके। ऐसे रखना है, अपसेट हो गए, लोगों ने कहा सुंदर तो है लेकिन ये तो आतंकवादी है, इसलिए नाम रख दिया टेरर ऑफ बंगाल, ओके। अब इसमें डायग्राम अपन एनसीईआरटी से देख लेंगे, इसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से रहता है, और यहाँ पे आपका लीव्स रहती है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये लीव्स लगी हुई है, और नीचे की तरफ क्या होता है, बंच ऑफ रूट्स, ठीक है, बंच ऑफ लीव्स या टफ्ट ऑफ रूट्स कहें, टफ्ट तो वही है बंच, ओके। ऊपर की तरफ लीफ का बच, नीचे तरफ फूड का बच, इस तरीके से वो ये जो है ना, इनका इंटर नोड, इसको बोलते हैं ऑफसाइट। इसमें शॉर्ट इंटर नोड होता है, कैसा होता है, शॉर्ट इंटर नोड होता है, ओके। ऐसे ही रडर जो होते हैं, रडर में कौन सा एग्जांपल आ जाएगा आपका, ग्रास, ग्रास में कैसे रखना है, ग्राउंड में कोई ग्रास लगा दो थोड़ी सी, पूरे ग्राउंड में वो रन करते हुए फैल जाती है, तो रडर का एग्जाम्पल हो गया। रडर में क्या होता है कि रडर और शकर में क्या अंतर है, देखो
दोनों में ही ये ऊपर लीव्स का बंच हो गया, नीचे रूट्स हो जाएंगी, ऊपर लीव्स नीचे क्या हो जाएंगी, रूट्स हो जाएंगी। तो ये जो इंटरनोड है इसको बोलना है ना, कैसा होता है इनमें लॉन्ग इंटरनोड होता है, कैसा होता है इसमें लॉन्ग इंटरनोड, इसमें कैसा होता है, इसमें कैसा होता है शॉर्ट इंटरनोड। ये अंतर है आपके रनल में और ऑफिस में। ये इसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम, ये आपका ऑफसेट। इसके अलावा आपका जेमिनी स्पंज वगैरह देखेंगे हम, रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करेंगे। लीफ में ब्रायोफिला की जो लीफ होती है यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर नॉचेस होती है, ये दिखा है नॉचेस, इसे कह देते हैं ग्रू। ओके, ये हम कह देते हैं खाच। तो यहाँ पे इसी में ही बड लग जाते हैं, ये बड जो है ये गट जाते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द लीफ और द मार्जिन ऑफ द लीफ किनारों पर। ओके, मार्जिन ऑफ द लीफ क्या होता है, नॉचेस पाए जाते हैं, इसमें कैसी बड होती है, एडवेंटिशियस बड्स है, ये दिख रही है आपको, देखो डायग्राम है। ओके, और ये आपका बड जो है फॉल इनटू द डैम सोइल एंड फॉर्म द न्यू प्लांट्स। ओके, रूट्स में हम बात करें तो इसमें आपका डहलिया का एग्जाम्पल आता है एंड डलवर्जिया, डलवर्जिया इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हम शीशम को, इसमें भी होता है। दुलबिल जो है कहाँ होती है, अगेन में होती है, अगेन को हम सेंचुरी प्लांट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम सेंचुरी प्लांट भी बोल देते हैं। और लिली में भी होते हैं दुलबिल्स, लिली में डायोस्कोरिया में भी होते हैं। तो ये जो है ना, ये देखेंगे आपको, ये यहाँ पर देखेंगे इस तरह की, ये बर्ड है, ये बर्ड भी मिल जाएंगी नए प्लांट को बन जाएगा, इस तरीके से ही आपका हो गया। ओके, नाउ स्पोरुलेशन में ये सब नेक्स्ट पॉइंट आ गया था, ये अपन डिस्कस कर ही लिया है पहले, तो ज्यादा नहीं करना है। अब इसमें देखना है कि प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो प्लांट जो है दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल भी और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है, मोस्टली जो है एनिमल्स वो क्या करते हैं, मोस्टली एनिमल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करते हो, करते ये भी है। अब हम आपको ले चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। तो एनसीईआरटी में आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये आपका आइसोपोटैटो है और इनको इजी पार्ट कट हो जाएगा, आप लगा देंगे सीधे, आप बन जाएगा क्या, न्यू प्लांट। ओके, जेनेटिक वर्ड्स बोल रहे हैं, ये आपका जिंदा हो गया, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये नोड्स हैं, नोड्स हैं। ओके, इसमें ये नोड्स में क्या लग रही है, ये बर्ड्स आ रही हैं। ओके, ये बर्ड्स दिख रही हैं आपको, साथ ही साथ क्या है कि दैट इज व्हाट एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है, अदर देन, क्योंकि रूट जो है रेडिकल्स निकलती है, रूट किस निकलती है, रेडिकल से, अदर देन रेडिकल कहीं भी रूट निकल रही है उसको क्या देंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये कहां से निकल रही है, अदर देन रेडिकल, क्योंकि दो स्टेम्स निकल रही है। ओके, नेक्स्ट ये आपको दिख रहा है, ये आपका अगेन में है, जिन्हें कहते हैं मुफिल। ओके, तो प्लांट दिखा रहे हैं ये, अगेन ये फ्लोरल बर्ड्स हैं, क्या है ये, फ्लोरल बर्ड्स हैं। ओके, ये आपको बायोफिल्म का दिखा रहे हैं, बायोफिल्म में कौन सी है ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे, ये इसको क्या बोलेंगे आप, नोचिस। ओके, इस पे क्या लगी हुई है, ये बर्ड्स हैं, ये गिर जाती है और नए प्लांट को बना देंगे, प्रोड्यूस करती है। ये आपका देखिए, ये है आपका आइकॉर्निया ऑफसेट वाटर हाइसेंट, ये है ऑफसेट, और ये इसमें क्या होता है, ये नोड है जहाँ पे लीव्स और नीचे रूट्स निकल रही हैं। ऑफसेट जो है उसमें, इसमें कैसा होता है, शॉर्ट इंटर नोड होता है, ये आप ऐसे बना लेंगे ऑफसेट को। रनर में, रनर भी बाकी लैंग्वेज सेम रहती है, रनर में कैसा रहता है, लॉन्ग इंटरनोड होता है, बस ये अंतर है। ओके, ऐसे बचाना है तो राइजोम, जिंजर, आयो पोटैटो पढ़ लिया, बुलबिल कहाँ पे होती है, अगेन में लीफ, ब्रायोफिल्म ऑफसेट हो गया। ओके, नाउ ये देखिए आ गया, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोटोब्यूल्स, ये सब वेजिटेटिव प्रोटोब्यूल्स ही हैं, दैट इज गिवन बाय द न्यू ऑफस्प्रिंग, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्या है, ये आपका आ गया, किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, लेकिन हालांकि पहले डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रामा फ्रेगमेंटेशन। ओके, इसमें ये आपका वाटर हाइसेंट करता रहे हैं, इसका स्कर्ट जो दो वाटर बॉडीज, पैरल ऑफ बंगाल वाटर हाइसेंट,
मोस्ट इन्वेजिव वीड्स फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ड्रिंक्स ऑक्सीजन, इससे क्या डेड ऑफिसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्यों लेके आए थे इंडिया में, लेके इसलिए आए थे, इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, प्रोपगेट वेजिटेबली इन अ फिनोमिनल रेट, फिनोमिनल रेट मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ता है, इससे क्या होगा वाटर बॉडी को पूरा कवर कर लेता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इनको हटाना बहुत ही मुश्किल है, गेट रिड ऑफ, रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है। ओके ये आपका मूड से कैसे निकलते हैं, मूड किस तरीके से दे कम इन कांटेक्ट विद द वाटर एंड देन सोइल वाटर एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स, इस तरीके से ब्लैक फिल्म में एडवेंटिशियस वर्ड्स होती हैं जो कि मॉसेस से निकलती हैं, मार्जिन ऑफ द लीव्स, इसमें क्या है ये जो है ना गार्डनर्स ये समझ गए इस चीज को, तो इन्होंने इसको फुल्ली एक्सप्लॉइट कर लिया, किसने गार्डनर्स थे और फार्मर्स थे, जिससे कि कॉमर्शियली उसको प्रोपोगेशन कर सके। यहाँ एक बात आती है कि जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म है, रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो लाइक एल्गिया फंजाई जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, कब जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। ओके जब भी एडवर्स कंडीशन आएंगी, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि देखो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ओके इसमें क्या है कि इनका जेनेटिकली कैसे होंगे, ये सभी के सभी सेम होंगे जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। ओके मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे, सेम होंगे। अब जैसे कि आपने यूवी रेट दे दी कोई भी मान लो, तो इनका सबका जेनेटिक मेकअप एक जैसा है, तो क्या होगा जब आप यूवी रेट देंगे तो सभी एक साथ सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन वही हम अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन से क्या हो रहा था वेरिएशन आ रहे थे, तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेरिएशन में क्या है जैसे कि यहाँ पे हमने प्लांट अलग अलग बना लिए, कई सारे प्लांट बना दिए, आपने यहाँ पे यूवी लाइट दी, तो उससे क्या होगा कुछ प्लांट तो निपट जाएंगे, कुछ तो जिंदा रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 100 प्लांट्स दिए हैं तो अगर 100 में से हम मान के चले 80 प्लांट तो निपट जाए, कितने बचेंगे 20 रहेंगे, तो कम से कम क्यों बच रहे हैं क्योंकि उसमें है वेरिएशन, उनका जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, तो वेरिएशन से क्या होता है, वेरिएशन से क्या होगा चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं, क्या होता है चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होता है बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये तो ये होता है फाइंड आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दिस ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर अंडर सच कंडीशन कैसे फेवर करता है, ठीक है तो ये बता रहे हैं कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा देता है। अब ये के नेक्स्ट लाइन क्या आता है जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो वेजिटेटिव और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहाँ होते हैं हायर प्लांट्स में होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कहाँ होता है मोस्ट ऑफ एनिमल्स। ओके नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके थैंक यू।